हमारे पास क्वेश्चन दिया है, द वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। कोई एक वेक्टर था ये जिसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड है क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये वेक्टर मान लो कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर कैसे ऐसे कहीं पे पड़ा हुआ था, हमने क्या किया है इस ए वेक्टर को थीटा डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। तो मान लो ये हमारा ओरिजिन बेस लाइन है, इससे क्या था वो उस पहले क्या था वो उसी लाइन के ऊपर था, हमने क्या कर दिया इसको थीटा एंगल आगे घसका दिया, ठीक है। मान लो हमने बेस लाइन से थीटा एंगल ए को आगे घसका दिया और जो ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे घसकाने के बाद क्या कर दिया, टू टाइम्स कर दिया, कहने का मतलब टू ए कर दिया, ठीक है। तो टू ए किसके बराबर बन गया, इसके बराबर बन गया। जो हमारे पास ए वेक्टर था ये जब हमने क्या कर दिया इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो ए वेक्टर क्या बन गया, इसके बराबर बन गया। तो ये जो यक्स हमारे पास वेरिएबल है हमको क्या इसी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, एक वेक्टर आई ये दिया हुआ है, आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपका चलो इसको बोल दो कोई एक ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका अंडर रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, 9 × 1 = 10 और अंडर रूट के अंदर 10 + x² मिल गया, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर का। फिर हमने क्या कर दिया इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास नया वेक्टर बना, नया नया नहीं वेक्टर तो वही है, हमने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 4i कैप + 4x - 2j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोल दो कोई बी वेक्टर बोल दो एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 40, कहने का मतलब ये 20, अंडर रूट 20 प्लस 4x - 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या दिया था कि जो हमारा ये वेक्टर है जब हमने इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो वो इसके बराबर आ गया। तो अगर हम क्या करें दोनों के मैग्नीट्यूड को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड आया है इसको जब हमने डबल कर दिया तो वो इतना बन गया होगा। क्या बोला कि जब हमारे पास ये एक वेक्टर था, हमने इसको थीटा एंगल रोटेट किया और इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो ये इस वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन सा, ये वाला जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया जब हमने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। तो हमने क्या बोल दिया, इसका मैग्नीट्यूड अगर ये है और ये जो नया वाला बना है उसका मैग्नीट्यूड ये है तो इनमें इनमें क्या फर्क होगा, ये क्या होगा इसमें जब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब इसका मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे डबल करेंगे तो हमको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो वेक्टर है इसका जब मैग्नीट्यूड को डबल किया जाएगा तो ये वेक्टर मिलेगा। तो अगर हम क्या करें ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको डबल करें तो इस ये दूसरा वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड मिलेगा, सही बात है। तो हम क्या करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 × √10 + x² जब हमने क्या कर दिया इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डबल किया तो क्या कर दिया ये वाला वेक्टर बन गया। तो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 2 × ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, करने का मतलब अंडर रूट ऑफ 20 + 4x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 × 2 = 4 हो जाएगा, उसको अलग रख लो। तो क्या करते हैं इसे को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 40 + 4x² राइट में कितना मिलेगा, 20 है और इसको ओपन करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए का स्क्वायर मतलब 16x² + 4 − 4 = 16x मिला, ठीक है। क्या कर दो सभी को एक साइड ला दो तो 16² है तो इधर क्या कर लो 4 को उधर भेजोगे कितना बन जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 12x² और −16x इधर ही है और 20 × 4 = 24 हो गया और 40 इधर है तो उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा 24 16 बच जाएगा −16 = 0, ठीक है। तो क्या कर दो इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दोगे तो इधर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका सिंपली 3 बन जाएगा, 3x² - 4x - 4, ठीक है।
बस क्या करो, इसी को फैक्टराइज कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इधर का नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस यही था कि ये वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया तो हमने एक हमको ये वेक्टर मिल गया। कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड के अंदर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर एक इक्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, 4 जा 12, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे 3x² - 6 - 2x - 4 = 0। तो कितना हो गया, 3x² - 6x + 2x - 4 = 0। तो क्या कर लो, 3x यहाँ से कॉमन कर लो तो कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा, 3x² बन गया, -2 हो गया। ठीक है, 3x 3 6 हो गया, 6x हो गया, और यहाँ पे 3x² हो गया। अब क्या कर लो, +2 कॉमन कर लो तो कितना मिल जाएगा, x - 2 2x - 4, ठीक है, = 0। तो यहाँ से क्या मिला, x - 2 और क्या, 3x + 2 = 0। करने का मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू -2/3 मिलेगा। ठीक है, तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है, नोट करो।